अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों आप देख रहे हैं कुरान से इलाज। अगर आपको भी सांस लेने में कैसी भी प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, इंशाल्लाह इसी में आपको 100% इसका इलाज मिलेगा। वैसे ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो फेफड़े होते हैं उसकी झिल्ली में वर्म आ जाना या फिर गले में बलगम का जमा हो जाना, इनसे ही ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। या फिर है दिल की धड़कन तेज़ होने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि मतलब इतना इलाज कराते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं लेकिन इलाज नहीं हो पाता। वही केमिकल्स से यूज़ करते हैं, टेबलेट्स, सीरप वगैरह, हालांकि वो टेम्पररी जब तक खाते हैं जब तक इलाज हो जाता है। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ऐसा ऐसा नुस्खा बताऊंगा हदीस से, इंशाल्लाह आप उसे एक बार यूज कीजिए, इंशाल्लाह एक सप्ताह भी नहीं लगेगा आपको उसका इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलने लगेगा, आप यकीन नहीं करेंगे। ये नुस्खे में कलौंजी का ही इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि मौत के अलावा हर बीमारी में शिफा है कलौंजी। तो कलौंजी के साथ साथ इसमें बाँस के पत्ते इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें इन दोनों को इस तरीके से यूज़ करना है, 2 ग्राम कलौंजी ले लिए हैं और 3 ग्राम बांस के पत्ते लेने हैं। इन दोनों को चाय की पत्ती की तरह पानी में इस तरीके से उबालना है कि उसकी चाय बन जाए, और मीठे की जगह शहद ही यूज करना है क्योंकि शहद में भी अल्लाह ताला ने शिफा डाली है। इस तरीके से आपको दिन में कम से कम 4 बार, दिन में 3 या 4 बार इसी का यूज़ करना है। इंशाल्लाह आप विश्वास नहीं करोगे कि इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई नुस्खा जानना चाहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इसके लिए आपको हमें सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा और नीचे कमेंट में उस बीमारी का नाम लिखना पड़ेगा जिससे भी रिलेटेड आप नुस्खा पाना चाहते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द ही हम उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर देंगे। और ये टैबलेट्स या सिरप खाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टेम्पररी इलाज, टेम्पररी इनका फ़ायदा होता है, कुछ समय के बाद फिर से वही बीमारी अपना रूप ले लेती है। ऐसी वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।